श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। येन केन प्रकारेण देहात्म भाव की निवृत्ति और जीवात्म भाव की भ्रांति का निराकरण, ये दो चीज़ों को मिला करके अध्यात्म की साधना होती है। योगाभ्यास जो है वो देहात्म भाव के निराकरण का प्रयास, और वेदांत चिंतन जो है वो जीवात्म भाव के भ्रांति का निराकरण करने का प्रयास। दोनों ही आवश्यक है। तो पहले देहात्म भाव का निराकरण और फिर जीवात्म भाव के निराकरण के लिए 24 घंटे कम पड़ते हैं एक दिन में। उसके लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। कैसे पता चले कि हम जीव बन गए हैं? यदि किसी भी अनुभूति में अनुभवकर्ता का जन्म होता है तो हम जीव बन गए। तो वो अनुभव जिसमें अनुभवकर्ता का जन्म नहीं होता वो है वेदांत की साधना, और योग साधना वो है कि जिसके द्वारा हम अपने आप को देह से अन्य के रूप में जानने का और अनुभव करने का प्रयत्न करें। ये दो बातें हैं। तो उसके लिए डाटा चाहिए, अनेक प्रकार का डाटा शास्त्रों में उपलब्ध है। एक हाथ लेकर के उस पर थोड़ा काम करना आवश्यक है। जैसे हमारा शरीर पंचमहाभूतों से बना है, ये पंचमहाभूत कहाँ है शरीर में और उनका क्या कार्य है, ये जानना आवश्यक है। तो हमारे पैर के अंगूठे से लेकर के जांग तक पृथ्वी तत्व है, और जांग से लेकर के नाभि तक जल तत्व है, नाभि से लेकर के हृदय तक अग्नि तत्व है, हृदय से लेकर के कंठ तक वायु तत्व है, और कंठ से लेकर के भ्रूमध्य तक आकाश तत्व है, और भ्रूमध्य से लेकर के सहस्रार तक मनस तत्व है। ये पंचमहाभूत हम में शरीर में इस प्रकार से बिखरे हुए हैं। इसीलिए पृथ्वी तत्व जड़ की पराकाष्ठा है, और इसीलिए वो हमारे पैरों में निहित है। उसके बाद जल तत्व जो है वो जितना भी शरीर का डाइजेशन इत्यादि हो जाता है और जो कचरा निकल जाता है जल के माध्यम से, तो वो हमारा नीचे का भाग उम्बलिस उम्बलिकस या नाभि के नीचे, वहाँ जल तत्व का वास है। और फिर नाभि से लेकर के हृदय तक ये हमारा डाइजेस्टिव चेम्बर है, यहाँ अग्नि तत्व का वास है, और हृदय से लेकर के कंठ तक वायु तत्व है, यहाँ हमारे फेफड़े लंग्स और सभी उसके विकार यहाँ रहते हैं, और
कंठ से लेकर के भ्रू मध्य तक आकाश तत्व है। आकाश तत्व के विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, ये भ्रू मध्य तक है। और फिर भ्रू मध्य से ऊपर मनस तत्व है, जहाँ मैं और मेरा इसका प्राधान्य रहता है। तो और उसके परे माने सहस्रार के परे है चेतना तत्व, 12 उंगली तक। ऐसी एक लाइन खींच लो 12 उंगली की, तो एक कैप्सूल बन जाता है हमारे शरीर के बगल में, वहाँ तक चेतना तत्व है। और बाहर की हवा जब ये चेतना तत्व के कैप्सूल में प्रवेश करती है, तब उसका प्राण इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है, और उसके बाद देह भी सचेत हो जाता है। इस प्रकार से हमारा शरीर का ढांचा होता है। अब साधना क्या करनी है कि एक एक तत्व को उसके उसके कारण में मिला दें। तस्मात् आत्मनः आकाश सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेर आपः, अद्भ्या पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुषः। ये इस प्रकार से परमात्मा से ये नीचे पूरा जगत का विस्तार हो गया। अब हमको वापस जाना है। इसके लिए शांत होकर के जब हम बैठते हैं, किसी भी प्रकार के विक्षेप नहीं, मन प्रसन्न है, हृदय में हमारे गुरु महाराज और भगवान विराजमान है, वो हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। उसके बाद हमारे भूतकाल का हमको त्याग करना है, इसलिए हम इस समय मिस्टर नोबडी है। अब अभ्यास के बाद क्या करना है यह संकल्प भी नहीं, तो भविष्य को हमने बंद कर दिया। अब हम पूरी मात्रा में वर्तमान में उपलब्ध है। इस वर्तमान स्थिति में पूर्ण रूप से उपलब्ध होने के पश्चात अब हम स्थूल को सूक्ष्म में डिसॉल्व करने का अभ्यास करेंगे। तो स्थूल है पृथ्वी तत्व, पैर के उंगलियों से लेकर के जांघ तक। तो ये केवल भावना करनी है कि पृथ्वी तत्व जल तत्व में डिसॉल्व हो गया है। अब हमारे मन से जांग के नीचे कुछ भी नहीं, अब हम केवल जांग के ऊपर ही है, नीचे का समाप्त हो गया। अब यह जो जल तत्व है जांग से लेकर के नाभि तक, इसको अग्नि तत्व में मिला देना है।
तो जांग से नाभि, इसको हमने अग्नि तत्व में मिला दिया। और इसीलिए अब हृदय के नीचे कुछ भी नहीं है, अब हम केवल आध्यात्मिक हृदय और उसके ऊपर है, नीचे का अग्नि तत्व में समा गया है। इस अग्नि तत्व को जो नाभि से हृदय तक है, उसको हमने वायु तत्व में मिला दिया है। अब हृदय के नीचे जहाँ तक अग्नि तत्व था, वो सब वायु तत्व में लीन हो गया। अब वायु तत्व को आकाश तत्व में, माने हृदय से लेकर के कंठ भाग, आकाश तत्व जो कंठ से भ्रूमध्य तक है, उसमें मिला दिया है। अब कंठ के नीचे कुछ भी नहीं, ये आकाश तत्व जो भ्रूमध्य तक है, उसको मनस तत्व में मिला दिया। इसलिए भ्रूमध्य के नीचे अब कुछ भी नहीं है। और ये जो मनस तत्व है, ये चेतना में जो सहस्रार से द्वादशांगुल 12 उंगली तक का क्षेत्र है, उसमें मिला दिया। अब हमारा पूरा का पूरा शरीर मन से निकल गया है, अब हमारा देह के साथ तादात्म्य नहीं, केवल चेतना के रूप में हम हैं। क्योंकि मनस तत्व को चेतना में डिसॉल्व कर दिया, तो देह के साथ तादात्म्य समाप्त, और इसीलिए मन में
विचार आने की संभावना बहुत ही कम। अब हमारा अनुभव आकाश के जैसा है, क्योंकि देहात्म भाव त्याग दिया तो आकार नहीं, और इसीलिए अनेकता नहीं। पाना कुछ नहीं है, सब कुछ खो देना है। अब तक हम शरीर के अंदर थे और दुनिया बाहर थी। अब शरीर और दुनिया दोनों हमारे अंदर है। जैसे लहरें समुद्र के अंदर होती है अव्यक्त, उसका प्रभाव समुद्र पर नहीं होता, इसी प्रकार से ये द्वैत की सृष्टि हम में है, हम उसमें नहीं। रूप रंग दृष्टि में है, दृष्टि रूप रंग में प्रभावित नहीं होती।
जितनी सहजता से आकार सबका आधार लेकिन प्रभावित किसी से नहीं, वैसे ही हम द्वैत का आधार लेकिन इसके द्वारा प्रभावित नहीं होते। ये केवल पहचानना है, करना कुछ नहीं। हमारा स्वरूप देहात्म भाव से ढक गया है, हमारा ज्ञान अकाट्य है, सब अनुभव हो रहे हैं। शब्द का हवा का क्योंकि अनुभव करता पैदा नहीं हो रहा है, इसके लिए कोई रिएक्शन नहीं है।
का शरीर एकदम स्थिर है, वजन बढ़ गया है, सांस धीमे हल्की चल रही है, ये सब भान है आपको। लेकिन देहात्म भाव नहीं है, हम देह के उपाधि से निरपेक्ष अस्तित्व है। देह में कितने परिवर्तन आके चले गए, हम ज्यों के त्यों। शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृतिगृहीतया। धृति परसीवरेंस पेशेंस कमिटमेंट जितनी दृढ़ता से हम देहात्म भाव में जीते हैं उतनी ही दृढ़ता से देहात्म भाव रहित होकर के जीना ये लक्ष्य। अब एक और स्टेप, क्योंकि हमारा देहात्म भाव हमने त्याग दिया, हम देह के बाहर हैं, अब अंदर नहीं। इसको दृढ़ करने के लिए अपने ही देह को बाहर से फ्रंट व्यू देखे,
देह शांत स्थिर बैठा है। ये भूलना नहीं, हम देह के बाहर हैं। अब देह के दाहिनी बाजू आ जाओ, पाँच दस फुट दूर देह से। अब देह का दाहिना भाग देखे, सर दाहिना कान, गर्दन दाहिना कंधा, धीरे धीरे नीचे जाते जाते उसको और रिलैक्स कर दें और इसको दृढ़ करें कि हम देह से अन्य है, देह हम में है, हम देह में नहीं। अब देह के पीछे चले जाओ, ये मत भूलना कि हम देह के बाहर हैं। और फिर पीछे का व्यू ले लो, सर गर्दन कंधे पीठ, धीरे धीरे नीचे तक चले गए। अब ये स्पष्ट हो गया कि हम देह से अन्य हैं। देह प्रकृति में है और हमारे प्रकाश में, चिदाकाश में मानव देह सचेत हो गया। असल में पृथ्वी से लेकर के मनस तत्व तक सब प्रकृति का ही कार्य है। हम प्रकृति निरपेक्ष सत्ता है, हम में जड़ चेतन का भेद नहीं। अब देह के बाएं बाजू बोलना मत, आप देह के बाहर हो। उसी प्रकार से बाएं बाजू को पूरा देखे तो यहाँ आपको थोड़ा टेंशन मिलेगा, तो उसको रिलैक्स कर दें। अब आप देह के सामने आ गए, लेकिन अब देह पूर्ण रूप से गायब हो गया और इसीलिए देह के अंदर या बाहर ये भ्रांति समाप्त हो गई। यह
एकमेवा द्वितीयम् अनादि अविकारी अनंत तत्व ही वास्तविकता है।
डू नॉट टॉक टू योर सेल्फ, लिसन टू साइलेंस. शरीर के स्थिरता से मन का स्थैर्य महत्व का है. मन का स्थैर्य माने सब विषयों का ग्रहण हो रहा है लेकिन मन उस पर रिएक्शन नहीं कर रहा.
धीरे धीरे सांस गहरी ले लीजिए और देखेंगे आप ऊपर से आप नीचे कैसे अपने शरीर में फैल जाते हो और फिर देहात्म भाव दृढ़ हो जाता है। धीरे से लीजिए सांस गहरी। इस पूरी प्रक्रिया में समझदारी और भावना, इन दोनों की आवश्यकता है। जो बात भगवान कृष्ण द्वितीय अध्याय में कहते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, जो अपने विचारों में उलझ जाता है उसको यह बात समझ में नहीं आएगी। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, नचायुक्तस्य भावना। और जो इस तत्व को पूरी तरह से श्रद्धा से स्वीकार नहीं करता वो ये भावना भी नहीं कर सकता कि कार्य को कारण में लीन करना है। और जो कार्य कारण के परे है वो अपना स्वरूप है। तो ये भावना के द्वारा पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को मन में और मन को चेतना में और फिर जड़ चेतन के भेद से मुक्त, यह जो निर्विशेष सत्ता है वो अपना स्वरूप है। सत्ता माने होना। अपने इस होने में दृढ़ता से जीना, यही आध्यात्मिक जीवन है। हमको कोई इसमें मदद नहीं कर सकता। अपने शास्त्र पर श्रद्धा और बिना थके इसका अभ्यास, अभ्यास वैराग्याभ्याम, अभ्यास और वैराग्य से ही हम धीरे धीरे तत्व में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हमने केवल त्यागा ही है और पाया कुछ नहीं। जो हम हैं उसको पहचाना,
अपने आप से ना बोले, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।